नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रिडिक्शन भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ IPL 2021 के 55वें मैच के प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में 8 अक्टूबर 2021 को अबूधाबी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड टू हेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन, इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों आप इस मैच के एक्यूरेट प्रिडिक्शन लेना चाहते हो तो सुल्तान क्रिकेट प्रिडिक्शन से कांटेक्ट कर सकते हो, इनका काम काफी बेटर है। इनके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं 4 विकेट से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, और इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम कप्तान केन विलियमसन, जेसन रॉय, रिद्धिमान साहब, प्रियम गर्ग, अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा इनके बैट्समैन है, जैसन होल्डर, राशिद खान इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कोल, उमरान मलिक इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, केन विलियमसन ने 31 रन बनाए थे और दोस्तों जैसन रॉय ने भी 44 रन की पारी खेली थी और दोस्तों जैसन होल्डर ने 1 विकेट लिया था। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने भी बढ़िया बॉलिंग की थी, 1 विकेट लिए थे। दोस्तों बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम मुंबई इंडियंस के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं 8 विकेट से राजस्थान रॉयल्स से, और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, सौरभ तिवारी, किरण पोलार्ड इनके बैट्समैन है, हार्दिक पांडे, जैसम निसाम इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, नाथन कुल्टर नाइल, जयंत यादव, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों रोहित शर्मा ने 22 रन बनाए थे, साथ में दोस्तों ईशान किशन ने भी 50 रन की पारी खेली और दोस्तों जैसम निसाम ने 3 विकेट लिए थे, और दोस्तों नाथन कुल्टर नाइल ने 4 विकेट, और दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने भी बढ़िया बॉलिंग की थी, 2 विकेट लिए थे। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 17 मैच खेले गए, जिनमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि दोस्तों मुंबई इंडियंस ने 9 मैच जीते हैं। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद का 178 रन का हाईएस्ट स्कोर है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और मुंबई इंडियंस का 208 रन का हाईएस्ट स्कोर है सनराइजर्स हैदराबाद। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद का 96 रन का लोएस्ट स्कोर है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और मुंबई इंडियंस का 87 रन का लोएस्ट स्कोर है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 में से 3 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि दोस्तों 5 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं, और दोस्तों मुंबई इंडियंस ने 9 में से 5 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि दोस्तों 4 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद अपने लास्ट 5 मैचों में से 2 मैच जीत करा रहे हैं, जबकि दोस्तों 3 मैचों में हार करा रहे हैं, और दोस्तों मुंबई इंडियंस भी अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 2 मैच जीत करा रहे हैं, जबकि दोस्तों 3 मैचों में ये हार करा रहे हैं। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 2 सालों में 3 मैच हुए, जिनमें से दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 मैच में जीत दर्ज किया, जबकि दोस्तों मुंबई इंडियंस ने 2 मैचों में जीत दर्ज किया, और दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में इस सीजन में 1 मैच पहले हो चुका है, जिसको दोस्तों मुंबई इंडियंस ने जीता था 3 रन से। दोस्तों आज की हमारी फैंटेसी टीम होने वाली है माई 11 सर्किल ऐप पर। अगर दोस्तों अभी तक आपने माई 11 सर्किल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको लेजेंड VVS लक्ष्मण, अजिंक्य रहाणे, सौरव गांगुली, सैन व्हाट्सएप और राशिद खान के साथ आप खेल सकते हो, और दोस्तों अगर आप VVS लक्ष्मण की टीम को हराते हो तो दोस्तों आपको 5 गुना कैश बोनस भी आपको मिलेगा, और दोस्तों स्पेशली यहाँ पर इंडियन T20 लीग के लिए 5 करोड़ का कॉन्टेस्ट ओपन है, अगर आप जीत पाओगे तो दोस्तों आप 5 करोड़ भी जीत सकते हो। और दोस्तों आपको पता है यार, खेलने के लिए चाहिए होते हैं पैसे, और उसके लिए आपको फ्री कैश बोनस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा। साथ में दोस्तों आप फर्स्ट डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पर भी आपको 20% एक्स्ट्रा कैश बोनस मिल जाएगा। और दोस्तों हाल ही में ये भाई लोग करोड़पति बने, तो दोस्तों अगला नाम आपका भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों ये मैच शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में होने वाला है, यहाँ पर फास्ट बॉलरों को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर बाद में बॉलिंग करने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 60 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 28 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि दोस्तों बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 32 मैच जीते, और दोस्तों एक भी मैच यहाँ पर टाई नहीं रहा। दोस्तों का एवरेज स्कोर 161 रन है, दोस्तों का हाईएस्ट स्कोर 247 रन पर 2 विकेट का, और दोस्तों का लोएस्ट स्कोर 70 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों यहाँ का स्कोर पैटर्न 150 के नीचे 17 बार, 150 से 169 के बीच में 19 बार, 170 से 189 के बीच में दोस्तों यहाँ पर 14 बार स्कोर रहा है, जबकि 190 प्लस यहाँ पर 10 बार स्कोर गया है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको ठोस प्रिडिक्शन देता हूँ, साथ में दोस्तों वहाँ पर मैं आपको फैंटेसी टीम देता हूँ, और दोस्तों वहाँ पर मैं क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट आपको देता रहता हूँ। दोस्तों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार, इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद अपना लास्ट मैच जीत करा रहे हैं, जबकि दोस्तों मुंबई इंडियंस भी अपना लास्ट मैच जीत करा रहे हैं। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक इस सीजन में 13 मैच खेले, जिनमें से 3 मैचों में जीत दर्ज की और 10 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट टेबल में टॉप 8 पर इनका स्थान है, जबकि दोस्तों मुंबई इंडियंस ने भी अभी तक इस सीजन में 13 मैच खेले, जिनमें से 6 मैचों में जीत दर्ज की और 7 मैचों में इनको हार झेलनी पड़ी है। पॉइंट टेबल में टॉप 5 पर इनका स्थान है। अगर दोस्तों गूगल की प्रिडिक्शन को देखा जाए तो दोस्तों इस मैच को सनराइजर्स हैदराबाद 53% जीत सकती है, जबकि
दोस्तों मुंबई इंडियंस 57% जीत सकती है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में, दोस्तों मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के अनुसार इस मैच को मुंबई इंडियंस जीत सकती है। दोस्तों आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको पता है यार, क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने सुल्तान क्रिकेट प्रिडिक्शन से कॉन्टैक्ट नहीं किया तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोस्तों अभी तक आपने माई 11 सर्किल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे तो दोस्तों आपको 1500 रुपये का कैश बोनस भी मिलेगा। साथ में दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से खेले और अपने जोखिम पर खेले। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।